अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम बेटा। सिर्फ मैं ही हूँ जी, अभी आप ही हैं। हो है। What happened? No. उनका बस मैं की। Rida is also there. Rida and Kiran are present. सिर्फ आज मैं प्रेजेंट होंगी क्या? कॉला इज आल्सो देयर नाउ। मिस कॉला आएगी, बाकी लोग भी आएंगे क्योंकि उन्होंने सारी क्लासेस ली हैं सुबह की। कॉला इज प्रेजेंट, देन किरण इज प्रेजेंट। कॉला तो लेफ्ट कर गई है, देन सईदा, रिदा, समन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। यस जी स्टूडेंट्स, यस कॉला, हैव अ रिव्यू ऑफ प्रीवियस लेसन। हरी आप, व्हाट वी डिड? मैम वी डिड अबाउट लीव्स। We did about internal structure of leaf. We learned that what was the internal structure of leaf and what was the. We learned about chloroplast and we learned about the cuticle and blackguard cell. We learned about what are their functions like. Okay. Functions. Stomata, guard cell, protection. Okay, someone, where stomatas are present in the structure of a leaf? They are present in the leaves. In the leaf. In the leaf, but on which side? On its upper side or lower side? On upper side. Miss Kennedy. Sorry, the lower side, ma'am. Lower side. It's not upper side. Lower miss side. Miss, वो stomata के sides पे होते हैं. Miss, उनकी shape होती है. स्टोमेटास तो होल्स होते हैं ना, बट दीज होल्स आर गार्डेड बाय गार्ड सेल्स एंड देयर शेप इज जस्ट लाइक बीन्स। ये जो लोबिया खाते हो आप, किडनी बीन्स होते हैं ना, जो किडनी बीन्स होते हैं, जो लोबिया की शेप होती है किडनी बीन्स की। आपकी बॉडी में जो किडनीज होती है ना, आपकी बॉडी में जो किडनीज होती है उनकी शेप भी वैसी होती है, जस्ट लाइक गार्ड सेल्स। Okay. Yes. Okay. Let's start today's working. Miss Kennedy, please. Today we will do the question number 10. First, Rita, note down the question. Define osmosis and explain its process in detail. Define osmosis. Explain its process in detail. This is the question. Okay, who want to read? Saman? Can I read? Kiran, you start reading. What about Hijab and Aisha? They were present in last class? Yes, ma'am. Sorry, class mein the, lekin unka aane ka shayad dil nahi kiya. Ye kya baat hui, aane ka dil nahi kiya? Abhi kal class start ho. Ya phir net problem hogi. Yes, ma'am, net problem bhi ho sakti. चलें अब क्लासेस स्टार्ट होएंगी तो फिर फेस टू फेस डील करेंगे आप सबको। चलें ठीक है जी, स्टार्ट करें जी किरण। ऑस्मोसिस, मूविंग वाटर मॉलिक्यूल्स। ऑस्मोसिस इज अ स्पेशल काइंड ऑफ डिफ्यूजन। व्हाइल डिफ्यूजन कैन describe the movement of any kind of molecule, osmosis is only about the movement of water molecules. The movement of water molecules from a region of high water concentration to a region of low water concentration across a party, partially permeable membrane is known as osmosis. Okay, beta, stop here. Okay, Kiran, beta, stop.
Just stop. Okay. Students, first understand the concept what we are doing, what we are going to study. आपको बेटा पता है ना कि जो प्लांट्स की बॉडीज हैं वो वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं और वाटर फिर एब्जॉर्ब कौन से पार्ट में हो रहा होता है वाटर रूट्स में हो रहा होता है इसमें हो रहा है जी खोला रूट्स में हो रहा होता है एब्जॉर्ब लेकिन आपने ऑब्जर्व किया है कि पानी तो रूट्स एब्जॉर्ब कर लेती हैं लेकिन एब्जॉर्ब करने के बाद पानी प्लांट के अपर पोर्शन में भी चला जाता है ना ऊपर ऊपर चढ़ रहा होता है पानी इवन ऊपर लीफ तक पहुंच जाता है बाय द हेल्प ऑफ साइलम सेल्स अब एक सेल से दूसरे सेल में वाटर ट्रांसफर कैसे कर रहा है ठीक है इस ये जो आपका टॉपिक है ना ऑस्मोसिस इसमें हम वाटर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे क्लियर कि हाउ वाटर मूव्स फ्रॉम वन सेल टू द अदर क्योंकि सेल तो बहुत सारे हैं प्लांट के अंदर तो रूट्स के जो सेल्स हैं वो वाटर एब्जॉर्ब तो कर लेते हैं अब आगे से रूट सेल्स जो है वो वाटर को आगे आगे कैसे ट्रांसफर कर रहे हैं तो अब इसमें हम ये देखेंगे अब आप ये पिक्चर को जरा और से देखो सारे बच्चे कैन यू सी दिस पिक्चर ओके इसमें आपको क्या नजर आ रहा है फोला प्लीज एक्सप्लेन दिस पिक्चर व्हाट यू कैन सी इन दिस डायग्राम द अपर वन मैम एक बैग है वो पार्टिकल परमेबल से बना हुआ है उसके अंदर मेम्ब्रेन फिल्ड है वो बहुत स्ट्रॉन्ग शुगर के साथ और उसके साथ एक पीस टाइड है ग्लास ट्यूबिंग का और देन क्या कहते हैं उसे ना एक बीकर में रख देते हैं और अच्छा। देखते हैं कि जो वीक शुगर सॉल्यूशन है वीक शुगर सॉल्यूशन के एक बीकर में रख देते हैं उस पर अच्छा। ये होते हैं क्या कहते हैं जो लिक्विड होता है ना वो ऊपर आने लग जाता है आहिस्ता आहिस्ता अच्छा अब आप ये देखो मैं आपको जी अब मैं आपको इसको एक्सप्लेन करती हूँ बेसिकली ये एक बीकर है बीकर मींस एक शीशे का बना हुआ बर्तन है उसमें हमने एक सॉल्यूशन डाला हुआ है जिसके अंदर शुगर सॉल्यूशन ठीक है ये जो ब्लू कलर का नजर आ रहा है ना दिस इज शुगर सॉल्यूशन क्लियर अब आपने इसके अंदर एक ट्यूब एड की ये ट्यूब एक और ये भी ग्लास की बनी हुई ही ट्यूब है और उसको आपने उसके बाहर एक झिल्ली सी है मेम्ब्रेन है बारीक सी मेम्ब्रेन है जो कि पार्शियली परमिएबल मेम्ब्रेन है पार्शियल परमिएबल मेम्ब्रेन वो मेम्ब्रेन होती है जो अपने ऐसी जैसे वो नहीं होता नेट का कपड़ा ये उस तरह का है और इसके अंदर से बड़े वाले मॉलिक्यूल्स तो पास नहीं कर पाएंगे कि छोटे मॉलिक्यूल्स आगे अंदर बाहर मूव कर सकते हैं ठीक है अब मॉलिक्यूल्स आपको पता है जो शुगर के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका साइज बड़ा होता है आप नीचे देख सकते हो इस डायग्राम में These are the sugar molecules. They are bigger in size. लेकिन जो water molecules हैं वो छोटे हैं size में. Can you see the difference? Yes, ma'am. Yes, ma'am. नजर आ रहा है ना? अब इस ये जो partially permeable membrane है, इसके अंदर हमने sugar solution डाला हुआ जो कि बहुत ही strong है. Strong मतलब इसके अंदर बहुत ज्यादा तेज है जो sugar का solution है वो बहुत ज्यादा thick है. यानी कि इसमें sugar की concentration ज्यादा है as compared to water. पानी कम है और शुगर के मॉलिक्यूल जिसके अंदर बहुत ज्यादा हैं इस वाले बैग के अंदर ये छोटा सा बैग है जो कि एक पार्शियली परमिएबल मेम्ब्रेन के साथ आपने इसको अच्छा जी अब बाहर जो कंटेनर है कंटेनर में पानी के मॉलिक्यूल ज्यादा हैं जबकि शुगर के मॉलिक्यूल्स कम है और अंदर ये जो परमिएबल मेम्ब्रेन है पार्शियली परमिएबल मेम्ब्रेन एक ऐसी मेम्ब्रेन जो कि कुछ पार्टिकल्स को तो मूव करवा सकती है कुछ को नहीं करवा सकती बड़े मॉलिक्यूल जिसमें से पास नहीं करेंगे सिर्फ छोटे वाले पास करेंगे अब छोटे मॉलिक्यूल्स कौन से हैं पानी के हैं ना वाटर मॉलिक्यूल्स आर स्मॉलर अब होगा क्या मुझे ये बताइए गर्ल्स वाटर की कॉन्सेंट्रेशन अंदर ज्यादा है कि बाहर ज्यादा है ये बताइए पहले बाहर ज्यादा है वेरी गुड जी खोला बाहर ज्यादा है ना वाटर कॉन्सेंट्रेशन यस मैम रिदा आप बताओ रिदा आप बताओ वाटर की कंसंट्रेशन बाहर ज्यादा आपको महसूस हो रही है कि अंदर जबकि मैंने आपको बताया यस जी बताइए बाहर ज्यादा है क्यों क्योंकि बाहर जो शुगर सॉल्यूशन है वो बहुत ही हल्का है फीका फीका सा उसमें शुगर के मॉलिक्यूल्स कम है वाटर के ज्यादा है जबकि अंदर वाटर के मॉलिक्यूल्स कम है शुगर के ज्यादा है इसीलिए इसको बोला जा रहा है स्ट्रॉन्ग शुगर सॉल्यूशन क्लियर अब होगा क्या ऑस्मोसिस के थ्रू ऑस्मोसिस इज अ प्रोसेस इन विच
water molecules move in which direction where its concentration is low. अब बाहर कंसंट्रेशन ज्यादा है ना तो यहां से मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे अंदर की तरफ. आई बात समझ? वाटर मॉलिक्यूल्स, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल ही पास कर सकते हैं, शुगर मॉलिक्यूल्स तो पास ही नहीं कर सकते. वाटर मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन चूंकि बाहर ज्यादा है सो दे विल मूव इनसाइड द मेम्ब्रेन, और इसी वजह से मेम्ब्रेन के अंदर, अब आप देखो अगली डायग्राम में इसका लेवल बढ़ चुका है लिक्विड का. आई बात समझ? तो अब यहां से इसकी हम डेफिनेशन देखेंगे ऑस्मोसिस की. द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर वाटर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर वाटर कंसंट्रेशन अक्रॉस अ पार्शियली परमिएबल मेम्ब्रेन एट दिस प्रोसेस इज नोन एज ऑस्मोसिस. ऑस्मोसिस वो प्रोसेस है. मार्क करने? जी जी, इसको मार्क कर लो आप. ये इसकी डेफिनेशन है ऑस्मोसिस की. और इसमें हो क्या रहा है कि वाटर मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन जहां ज्यादा होती है वहां से वो मूव करके दूसरी साइड की तरफ चले जाते हैं जहां उनकी कंसंट्रेशन मींस उनका नंबर, जहां उनका नंबर कम होता है वो उस तरफ मूव कर जाते हैं. और कब तक ये प्रोसीजर चलता रहता है? जब तक दोनों तरफ वाटर का लेवल इक्वल ना हो जाए. क्लियर जी गर्ल्स? आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? यस मैम. अच्छा समन बेटा, आप ये ऊपर तो इसी के से डायग्राम दिखाई गई ना, नीचे यहाँ पर पार्शियली परमिएबल मेम्ब्रेन शो की है यहाँ पे सेंटर में, और इस तरफ शुगर का सोल्यूशन है जिसके अंदर शुगर के मॉलिक्यूल ज्यादा हैं, और इस तरफ कौन सा सोल्यूशन है जहाँ पे शुगर के मॉलिक्यूल्स आप देखो कम नजर आ रहे हैं, बड़े वाले मॉलिक्यूल्स. yeah. वाटर के ज्यादा है छोटे वाले. तो होगा क्या, वाटर मॉलिक्यूल्स विल पास फ्रॉम दिस साइड टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड, राइट साइड से मूव करके लेफ्ट साइड की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे ताकि बैलेंस कर सकें दोनों तरफ. कब तक चलते रहेंगे मॉलिक्यूल्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट? कब तक मूव करेंगे? जब तक दोनों साइड्स पर वाटर के मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन इक्वल ना हो जाए. क्लियर? इक्वल ना हो जाए, बराबर. जी अच्छा जी, अब हु विल रिपीट दिस? समन बेटा रिपीट दिस कॉन्सेप्ट. ओके मैम, पूरा जी ये बताइए कि ऑस्मोसिस में होता क्या है, विच टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम वन साइड टू द अदर? मैम वाटर मॉलिक्यूल्स इधर मैम राइट साइड से लेफ्ट साइड पे जाते हैं, और वाटर मॉलिक्यूल्स ज्यादा होते हैं और शुगर मॉलिक्यूल्स कम होते हैं, और शुगर मॉलिक्यूल्स वाटर मॉलिक्यूल्स से ज्यादा बिग साइज के होते हैं, इसलिए वो बैग के अंदर नहीं जा पाते. वो नेट की तरह एक जो बैग होता है ना उसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स जा सकते हैं, शुगर मॉलिक्यूल्स नहीं जा सकते क्योंकि वो वाटर मॉलिक्यूल्स से बड़े होते हैं. जी ये जो मेम्ब्रेन है इट्स नेम इज पार्शियली परमिएबल मेम्ब्रेन. पार्शियल का मतलब होता है हाफ एंड हाफ, ठीक है. परमिएबल मींस परमिशन, परमिएबल मींस परमिशन. मेम्ब्रेन झिल्ली को बोलते हैं, बारीक सी झिल्ली को. अब एक ऐसी बारीक सी झिल्ली है, ऐसी मेम्ब्रेन है जो कि कुछ मॉलिक्यूल्स को तो परमिशन देती है कि अंदर से पास कर जाए लेकिन कुछ को नहीं देती. जो छोटे मॉलिक्यूल्स होंगे वो तो पास कर जाएंगे लेकिन बड़े मॉलिक्यूल्स पास नहीं कर सकेंगे. सो दिस मेम्ब्रेन इज नोन एज पार्शियली परमिएबल मेम्ब्रेन. पार्शियल मींस हाफ, यानी कि हाफ मॉलिक्यूल्स तो पास हो जाएंगे, हाफ मॉलिक्यूल्स पास नहीं होंगे ड्यू टू देयर लार्जर साइज. साइज बड़ा होने की वजह से वो उसमें से गुजर नहीं पाएंगे. क्लियर जी रिदा, आपको समझ आया व्हाट इज मेंट बाय पार्शियली परमिएबल मेम्ब्रेन? रिदा यस रिदा, व्हाट इज पार्शियली परमिएबल मेम्ब्रेन? रिदा आपको आवाज आ रही है? यस जी. आपको इसका मीनिंग समझ आया पार्शियली परमिएबल मेम्ब्रेन? पार्शियल मींस, पार्शियल का क्या मतलब होता है? हाफ, हाफ एंड हाफ, ठीक है. यस. परमिएबल मींस परमिशन से वर्ड है, इंग्लिश का वर्ड सुना है परमिशन, इजाजत होना, इजाजत देना या इजाजत होना. बताया वो. यस जी जी, तो परमिशन से ये वर्ड निकला वो परमिएबल. ऐसी मेम्ब्रेन है जो कि कुछ पार्टिकल्स को तो मूव अंदर बाहर मूव करने की परमिशन देती है लेकिन कुछ को नहीं देती, ठीक है रिदा? यस. अच्छा जी,
चलें जी स्टूडेंट्स राइट डाउन दिस क्वेश्चन. इसकी फर्स्टली यू विल गिव द हेडिंग ऑफ ऑस्मोसिस और ऑस्मोसिस को यहां से लेके यहां तक तो इसकी डेफिनेशन आ जाएगी. नेक्स्ट यू विल गिव द हेडिंग ऑफ एक्सप्लेनेशन यहां से एक्सप्लेनेशन. मैं छोटी दीजिएगा फिर चेक पॉइंट्स भी करनी होती है. क्या करनी होती है मैम? छोटी दे दें एक्सप्लेनेशन, बड़ी ना दे दें. बेटा दिस फुल इज ऑल दिस इज एक्सप्लेनेशन बट आप खोला आप इसको रीड करो यहाँ तक रीड करो खोला और देखिए अगर आपको इजी लगता है यू कैन राइट इन योर ओन वर्ड्स. ये तो आपको जो भी मैंने अंडरस्टैंड करवाई ना सारा कॉन्सेप्ट ये वही चीज है जो हमने भी बात की है. जी खोला रीड दीज लाइंस. मिस कहना है खोला वेयर इज खोला मैम? यस कौन सी लाइंस पढ़नी है? आप लिखने में बिजी हो गई होंगी एज यूजुअल. पार्शियली परमेबल membrane has very tiny holes in which it only allows some molecules to pass through. Water molecules will fit through those holes because they are very small, such as larger molecules such as sugar molecules are too big to get through the holes. Water can pass यहाँ पे आपको समझ आया कि कैसे पार्शियल परमिएबल मेम्ब्रेन काम करती है. छोटे मॉलिक्यूल्स को तो वो कह रही गुजार देती है लेकिन लार्जर मॉलिक्यूल्स कैन नॉट पास थ्रू. ठीक है सो दिस दैट्स व्हाई इट इज नोन एज पार्शियली परमिएबल मेम्ब्रेन. जी रिदा यू रीड द नेक्स्ट लाइंस यहाँ से. वॉटर कैन यहाँ से स्टार्ट करें. हिजाब व्हाई यू कम इन द क्लास सो लेट? इंटरनेट प्रॉब्लम बस आराम से आप 15 मिनट लेट हो. आई विल नॉट मार्क यूर प्रेजेंट. ओके यस रिदा रीड दीज लाइन्स. वॉटर कैन पास थ्रू. वॉटर कैन पास थ्रू बोथ वेज अक्रॉस द मेम्ब्रेन बट बिकॉज देयर आर more water molecules in the weak sugar solution than in the strong sugar solution. Water molecules will move mainly across the membrane into the strong sugar solution. This goes on until both sides have the same concentration. जब तक ये move करते रहते हैं water molecules तब तक दोनों तरफ water की concentration सेम ना हो जाए. ठीक है अब उन्होंने आपसे कहा कि वाटर मॉलिक्यूल अंदर बाहर बड़े आराम से आ जा सकते हैं. अंदर भी जा सकते हैं बाहर भी आ सकते हैं लेकिन बाहर से अंदर की तरफ ही मूव करेंगे. क्यों? क्योंकि बाहर वाटर की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है यहाँ ज्यादा वो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं तो वो फिर प्रेफर करेंगे कि हम अंदर बाहर से अंदर की तरफ ही जाते रहें. तब तक जाते रहें जब तक अंदर इक्वल लेवल ना हो जाए पानी का. ठीक है यहाँ तक आप इसको मार्क कर लीजिए गर्ल्स. एक्सप्लेनेशन से लेकर मॉलिक्यूल्स तक के सेल्स तक लीव्स दीस सेल्स. मतलब वर्ड्स में लिखना है? यस यू कैन राइट इन योर ओन वर्ड्स. यू कैन राइट इन योर ओन वर्ड्स नो प्रॉब्लम. ठीक हो गया जी गर्ल्स. ओके मूव ऑन टू द नेक्स्ट. क्वेश्चन दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1. यस हिजाब. Yes, ma'am. बेटा आप आपको क्लियर हुआ ये कॉन्सेप्ट ऑस्मोसिस का या नहीं या रिपीट कर दूं मैं? अब आप लेट देखो लेट आने का ये नुकसान है. सारा क्वेश्चन मैं आपको पहले ही अंडरस्टैंड करवा चुकी हूँ. Who will repeat this concept? हरी आप किरण. किरण बेटा आप इसको रिपीट करो. What is osmosis? कौन से मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट को ऑस्मोसिस बोलते हैं? मिस वाटर की मूवमेंट को ऑस्मोसिस कहते हैं. तो वाटर क्यों मूव करता है एक साइड से दूसरी साइड की तरफ? व्हाई वाटर मूव्स?
मिस वो इसलिए मूव करती है क्योंकि मिस जो शुगर के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मिस बड़े भी होते हैं, और मिस जो दूसरे वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो छोटे होते हैं, तो वो लेफ्ट साइड से राइट लाइट साइड से लेफ्ट साइड पे जाते हैं ताकि उनके लिए उनका जो है ना वो लेवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स शुड बी इक्वल. यस मिस इक्वल हो जाए. हाँ जी, मतलब शुगर कॉन्सेंट्रेशन एक तरफ ज्यादा है एक तरफ शुगर कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो शुगर के मॉलिक्यूल्स तो मूव नहीं कर सकते बट वाटर मॉलिक्यूल्स कैन मूव, और इस तरीके से वाटर मॉलिक्यूल एक साइड से दूसरी साइड पर मूव करते हैं थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और इस तरीके से ये प्रोसीजर चलता रहता है जब तक के दोनों तरफ वाटर मॉलिक्यूल्स की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल ना हो जाए. ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन ट्रांसपायरेशन. दिस इज क्वेश्चन नंबर 11 गर्ल्स. Define transpiration. Yes, Hijab, you read this paragraph. After reading, I will explain. Transpiration is a process by which a plant loses water from the leaf into the surrounding air. The water evaporates through cells inside the leaf. Water evaporates then passes out to the leaf mainly through the tiny holes called stomata. Stomata are mainly found on the lower side of the leaf. Yes. Okay. What is transpiration? A transpiration is students, show your screens to me. I want to see you are writing or listening the lecture. Show your screens, all of you. Girls, first understand, then you will write your question, okay? अच्छा जी, what is transpiration? Transpiration होता क्या है? आपने देखा है कि सारा दिन जो plants हैं वो सारा दिन धूप में रहते हैं बाहर. जी girls, ऐसे ही है, plants सारा दिन outside रहते हैं ना sun के अंदर. किसका माइक ऑन है? प्लीज म्यूट कीजिए माइक को, बहुत शोर आ रहा है. किसका माइक ऑन है? अच्छा जी, तो ये जो प्लांट्स हैं ये चूंकि सारा दिन सनलाइट में रहते हैं तो नीचे से तो रूट्स के थ्रू वाटर, ये देखो रूट्स, यहाँ पे पिक्चर आप देखो, रूट्स के थ्रू वाटर जब एब्जॉर्ब हो रहा है और फ्रॉम वन सेल टू द अदर सेल इट मूव्स टुवर्ड्स द अपर साइड ऑफ द लीव्स, ऊपर पहुंच जाता है, लेकिन ऊपर जाके गर्मी है वो है सनलाइट है, वो क्या होगा कि स्ट्रोमेटास जो कि लीफ के नीचे वाले पार्ट्स में मौजूद हैं ये जब ओपन होते हैं तो अपने अंदर से पानी को निकालते रहते हैं, इसकी वजह से क्या होगा लॉस ऑफ वाटर होना शुरू हो जाता है, पानी बहुत ज्यादा क्वांटिटी में प्लांट्स के ऊपर वाले साइड से निकलना शुरू हो जाता है. दिस प्रोसीजर इज नोन एज ट्रांसपायरेशन, यानी कि लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द अपर एरिया ऑफ द प्लांट इज नोन एज ट्रांसपायरेशन. नाउ अनम्यूट योर माइक्स, आई वॉन्ट टू आस्क क्वेश्चन. नाउ अनम्यूट योर माइक्स. जी अगर स्टूडेंट्स मैं आपसे पूछती हूँ कि अगर बहुत ज्यादा पानी किसी भी प्लांट से निकल जाए थ्रू लीव्स, लीव्स में चूंकि ये स्ट्रोमेटास होते हैं, स्ट्रोमेटास आर द स्मॉल होल्स, इन होल्स के थ्रू अगर पानी बहुत ज्यादा निकल जाए तो व्हाट विल हैपन, क्या होगा? मैम प्लांट मर जाएगा. वेरी गुड, प्लांट्स विल विदर आउट, वो पहले तो मुरझाना शुरू करेगा, ऐसे ढीला सा हो जाएगा, उसके पत्ते येलो होना शुरू हो जाएंगे ड्यू टू लॉस ऑफ वाटर, पानी की कमी से, और फिर बाय द टाइम इट विल डाई, ठीक है ना, तो वो मरना शुरू हो जाएगा. इसलिए जो ट्रांसपायरेशन है अगर बहुत ज्यादा हो जाए तो ये प्लांट के लिए अच्छी नहीं होती, ठीक है. अच्छा जी, इसको आप यहाँ से मार्क करो इसका आंसर फ्रॉम स्टार्ट यहाँ तक लीफ तक. साइड ऑफ द लीफ. यस डन मैम. जी आज का काम यहीं तक है. ओके स्टार्ट राइटिंग, यू नाउ यू कैन राइट. टुडे आयशा सलीम इज एब्सेंट. ओके
समन जावेद ने डॉल्स लगाई हुई हैं, फौला के ऊपर उसका नाम आ रहा है फौला। मैम मेरा नाम सुमन जुनेद है, जावेद नहीं है। ओह सॉरी समन जुनेद। मैम एपीएस में भी और कोई कहता था। ओके समन जावेद जुनेद। नहीं नहीं योर एग्जैक्ट Your exact name is Saman Junaid. Yes, okay. Ma'am. Okay. Khola, where are you? I can't see you, Khola. Rida and Hijab. Rida and Hijab, I want to see your faces. मैंने कैमरा ऑफ किया हुआ है क्योंकि एक मसला है। तब देख लेना, हमने कल स्कूल आना ही है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। यस समन, आई कैन सी समन नाउ। Now I can see someone. कल से आपकी वही रूटीन स्टार्ट हो जाएगी। From 8 to 1 तक टाइम है आपका। नहीं मिस, मैं पता नहीं चला है अभी तक। मैं 1 बजे तक हमारी ऑनलाइन क्लास में सकती हूँ। 1 बजे तक हमारा टाइम है। जी, ग्रुप्स में मैसेजेस आ चुके हैं बेटा। See your groups. Yes. Read all the messages. जी आ गए हैं। From 8 to 1, from 8 to 1 वो you have timings, school timing. You bring your lunch boxes, you bring your water bottles with you because there will be no canteen, okay? Yes, yes miss पता है। और आपने टीचर्स को हमें तंग नहीं करना है, ये ना हम बार बार आपको डांटते ही रहें कि आप सेपरेट बैठो, दूर बैठे एक दूसरे से। आपने नहीं मिस, हमारे मिस हमारी क्लास की परसेंटेज में इतनी मतलब बच्चे इतने थोड़े से होंगे, मिसने पहले कह दी थी कि हमारे क्लास इतने बच्चे थोड़े होंगे, मिस जो टीचर्स होंगी ना वो हमें क्लास से कोने कोने पे बिठाया करेंगी। बिल्कुल बिल्कुल, यू विल सिट सेपरेटली डिस्टेंटली, दिस इज सेपरेट ओके, एंड देयर इज नो नीड टू टेक एनीथिंग फ्रॉम एनीबॉडी, यू मस्ट हैव योर ऑन। Yes? फोन्स ले जाए करेंगे हम, ठीक है ना, मैसेजेस करते रहेंगे, बोलेंगे नहीं किसी से। नहीं नहीं बात कर सकते हैं दूर से, बट यू कैन नॉट टेक एनीथिंग, यू कैन नॉट टेक एनीथिंग। ऐसे नहीं होगा, मार्कर दे दो, पॉइंटर दे दो, पेंसिल चाहिए, ऐसे नहीं होगा। पेंसिल मार्कर तो ले दोस्तों से, पेंसिल मार्कर तो ले सकते हैं हम दोस्तों से। कैसे ले सकते हैं एक दूसरे के, मतलब वो दूसरे स्कूल में तो ऐसे हो रहे हैं ना कि हाफ बच्चे आ जा रहे हैं तो हाफ बच्चे कल आ रहे हैं। Yes. लेकिन आपके तो बेटा सीनियर क्लासेस में इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, so... एक दिन की छुट्टी होगी मैम बीच में। आई डोंट नो बेटा, अभी पता चलेगा कल जाके। जस्ट वेट बेटा, आप अपना रिटर्न वर्क करो, मैम सिकरा मुझे कॉल कर रही है, जस्ट वेट। हेलो हेलो मिस इकरा,
करने वाला है मिस्टर स्माइल. जो क्वेश्चन नंबर 8 है जो आज करवाना है, इसकी स्टेटमेंट कहाँ पे है? इसका क्वेश्चन मुझे मिल ही नहीं रहा नोटबुक में, मुझे देख के बताया जरा. मेरा लेक्चर स्टार्ट होने वाला है. जी स्टूडेंट्स, हैव यू डन? नो मैम. मैम डन. ओके, देयर इज अनदर क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन. हर ही आप वो भी कर लेते हैं साथ ही. जी स्टूडेंट्स, मुझे आप बताएंगे, देन आई विल स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन. मिस अभी तो मिस पहला वाला भी नहीं हुआ है. ओह माय गॉड. ओके, यू हैव टू ड्रॉ दिस डायग्राम एज वेल. कौन से वाली बताती हूँ आपको, जस्ट वेट. अभी एक्चुअली एक स्टोमेटा का शॉर्ट क्वेश्चन आई हैव टू मार्क ना, तो वो स्टोमेटा का जो जी शॉर्ट क्वेश्चन जब आप करोगे फिर उसके साथ ये डायग्राम बनेगी. चले मैं अभी फिलहाल बैक पेज पे जाती हूँ. जी स्टूडेंट्स, यू हैव टू ड्रॉ दीज बोथ डायग्राम्स. एक ये बीकर वाली बनाओगे साथ ही ये वाली भी बनाओ. ये वाली भी बनाओ जैसे मॉलिक्यूल्स शो हो रहे हैं, शुगर मॉलिक्यूल्स एंड द वाटर मॉलिक्यूल्स. यस इजाब, टेल मी व्हाट आर द मॉलिक्यूल्स, शुगर मॉलिक्यूल्स. इस बीकर, इस तस्वीर में यू कैन सी दिस पिक्चर. व्हाट आर द वाटर मॉलिक्यूल्स, विच वन, स्मॉलर वन और बिगर वन? मैम कैन आई टेल? Yes, just wait, beta. Let her answer. Bigger one. In this picture. Ma'am, big. Big one are of sugar molecules or water molecules? Sugar. Yes, big molecules are of sugar molecules. And what about the smaller molecules? Ye kaun se? Ma'am, can you repeat? Water. Water molecules. Which molecules will move through the semi-permeable membrane? Sugar molecules or water molecules? Water. Why sugar molecules cannot move through this membrane? क्यों नहीं pass on करते? Yes, Rida, you answer. Ma'am, can you repeat? Why these sugar molecules cannot pass through this semi-permeable membrane? Partially permeable membrane. Because, can I tell? Because ma'am, एक साइड पे कम होते हैं और एक साइड पे ज़्यादा होते हैं, तो जब तक वो. Ma'am, can I tell? Miss, can I tell? Please, can I tell? Ma'am, can I tell? No. Ma'am, please. No, Rida. Rida, beta, this is not the right answer. Miss, can I tell? Miss, can I tell? Yes, Kiran. मिस हो जाती है क्योंकि मिस वो जो शुगर मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मिस बड़े होते हैं और जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो छोटे होते हैं. यस रिदा, शुगर मॉलिक्यूल साइज इज बिगर, सो ड्यू टू देयर बिगर साइज दे कैन नॉट पास थ्रू दिस मेम्ब्रेन. ये मेम्ब्रेन सिर्फ छोटे मॉलिक्यूल्स को अलाउ करती है पास करना. यू गेट दैट? यस जी. रिपीट करें, क्या बताया मैंने आपको? क्या वजह है क्यों इस मेम्ब्रेन में से शुगर मॉलिक्यूल्स पास नहीं कर पाएंगे? देखो यहाँ पे शुगर मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन इधर ज्यादा है. ऐसा भी तो हो सकता है ना कि यहाँ से मॉलिक्यूल्स इधर को चले जाएं लेवल करने के लिए, तो शुगर मॉलिक्यूल्स क्यों नहीं मूव कर पाते? मैम बिकॉज इधर वीक शुगर है. जी रिदा. मैम बिकॉज इधर वीक शुगर है और उधर बार बार ये बात. देखिए मैं आपको अभी आपको किरण ने बताया भी है, शुगर मॉलिक्यूल्स का साइज बहुत बड़ा है, सो दे कैन नॉट पास थ्रू दिस मेम्ब्रेन. बेशक यहाँ पे इनके ठीक है, तो शुगर मॉलिक्यूल्स तो मूव ही नहीं कर पाएंगे किसी भी तरफ. सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स को अलाउ है कि वो मूव कर सकते हैं. तो वाटर मॉलिक्यूल्स रिदा फिर किस साइड पे मूव करेंगे? फ्रॉम वेयर टू वेयर, इन विच डायरेक्शन? From the right side towards the left side. क्यों right side पे क्या बात है, क्या नजर आ रहा है? मॉलिक्यूल्स की कंसेंट्रेशन, वाटर मॉलिक्यूल्स की कंसेंट्रेशन ज्यादा है कि कम है? रिदा कम है.
कौन बोल रहा है कम है? राइट साइड पे जरा और करें, वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा है कि कम है एज कम्पेयर टू लेफ्ट साइड? ज्यादा है, ज्यादा है मैम, मैम ज्यादा है, ज्यादा है। यहाँ पे कंसेंट्रेशन ज्यादा है वाटर मॉलिक्यूल्स की, ज्यादा होने की वजह से ही यहाँ के मॉलिक्यूल्स मूव करके दूसरी तरफ जाएंगे ताकि यहाँ के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको बैलेंस कर सकें। लेट सपोज यहाँ पे 100 है और यहाँ पे 50 है मॉलिक्यूल्स पानी के, तो यहाँ से कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे इस तरफ ताकि यहाँ के मॉलिक्यूल्स और यहाँ के मॉलिक्यूल्स इक्वल हो जाए 75 and 75। समझ आ रही बात मेरी? Yes. रिदा ने एक दफा मुझे ठीक आंसर नहीं किया। रिदा बेटा आप गौर से सुन रहे हो लेक्चर या नहीं सुन रहे? सुन रही। तो बेटा आंसर तो ठीक देना अगर आप सुन रहे हो तो। कितनी दफा रिपीट किया मैंने? अब बताइए क्यों शुगर मॉलिक्यूल्स मूव नहीं कर पाते पार्शियली परमिएबल मेम्ब्रेन से? क्योंकि वो बहुत बड़े होते हैं साइज में। शाबाश, वेरी गुड, बिकॉज देयर साइज इज बिग सो दे कैन नॉट पास थ्रू। क्योंकि पार्शियल जो मेम्ब्रेन है ना, पार्शियली परमिएबल मेम्ब्रेन, ये इसका साइज बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होता, इसके अंदर जो होल्स होते हैं छोटे छोटे, तो वो बड़े वाले मॉलिक्यूल्स को नहीं पास करवा सकती, सिर्फ छोटे मॉलिक्यूल्स पास हो सकते हैं। ऐसे ही है ना, जैसे आप कप में चाय डालते हो तो चाय जो है वो लिक्विड पार्ट तो सारा नीचे पास हो जाता है, लेकिन जो पत्ती के पार्टिकल्स होते हैं दे स्टे, वो वहीं पर रुक जाते हैं ऊपर छल्ली में। ऐसे ही है ना, तो इसका मतलब है कि जी, तो ये जो आपकी चाय वाली जिसमें आप चाय छानते हो, सीव करते हो, This membrane can also be, इसको भी आप कह सकते हो कि it's a partially permeable membrane. वो चाय को तो, liquid part को तो permit करती है नीचे जाने को, लेकिन जो बड़े वाले molecules हैं पत्ती के चाय के, उसको वो ऊपर ही रोक देते हैं, they cannot pass through. So this sieve is also a partially permeable membrane. ठीक है? चले जी, I think your time is just, yes beta, yes. मिस आप सेकंड वाले के क्वेश्चन ट्रांसपिरेशन का मिस वहां तक किए ना, इनसाइड द लीफ तक बस। हां जी, इनसाइड द लीफ तक है। उसके बाद एक शॉर्ट क्वेश्चन जल्दी से लिख लीजिए, व्हाट आर स्टोमेटास? मैम नाने दे, कल कर लें क्लास में। yeah, वैसे आज yeah. आज ये शामिल था, दिस वाज इंक्लूडेड। चले कोई बात नहीं, मैं कल करवाती हूं। लिख भी लिए क्वेश्चन, इतना छोटा सा है, जस्ट 2-3 लाइंस है ये वाली। लेकर साइड ऑफ द लीफ तक है ना जी बेटा? वो आपकी स्क्रीन ही गायब हो गई, आपकी ना नीयत ठीक नहीं थी स्टूडेंट्स की। मिस आप वैसे बता दें? हाँ जी, वैसे बता दूं बुक से। ओके मिस, आप बुक ओपन करें ना, यही वाला पेज मिस जहाँ से हमने खत्म किया था उसके आगे से शुरू कर देना है जी। बताती हूँ आपको ये, हाँ जी, यहाँ से आएगा, वाटर वेपर्स पास आउट ऑफ द लीफ मेनली थ्रू टाइनी होल्स कॉल्ड स्टोमेटा। देन को कट कर दें क्योंकि देन पीछे से कंटिन्यू हो रहा है ना, इसलिए देन को कट कर दें। वाटर वेपर्स पास आउट ऑफ द लीफ मेनली थ्रू द टाइनी होल्स कॉल्ड स्टोमेटा। Stomata are mainly found on the lower side of the leaf. बस यहाँ तक कीजिए, बस ठीक हो गया girls? Yes. Okay. चलिए जी students, you have to write down these questions and learn as well. Inshallah. Ma'am, please one time दोबारा पढ़ना है, बस एक दफा। बेटा जहाँ से हमने छोड़ा था ना transpiration का, वहीं से start करो ना आगे से। आप read करो, आपको पता चल जाएगा। Read करें, मैं सुन लेती हूँ। वॉटर वेपर्स, ये वॉटर वेपर्स देन पासेस आउट ऑफ द लीफ मेनली थ्रू द टाइनी होल्स कॉल्ड स्टोमेटा। स्टोमेटा आर मेनली फाउंड ऑन द लोअर साइड ऑफ लीव्स। ये है, यस यस यस, देन को कट कर दें, बस देन ही आएगा। ओके, इतना ही है। देन की तरह एंड तक लीफ तक, जी लीफ तक आएगा, साइड ऑफ द लीफ तक बस आएगा। मिस अब देन कौन सा कट, वॉटर वेपर्स पासेस तक मतलब देन बीच वाला कट हो जाएगा? सिर्फ देन का जो एक वर्ड है ना वो कट कर दें। वॉटर वेपर्स पासिस आउट ऑफ द लीफ, देन को कट करके बना लेना सेंटेंस पूरा। और ट्रांसपायरेशन का स्टार्ट से लेके इनसाइड द लीफ तक है हाफ पैराग्राफ। क्लियर? मिस मेरा होने भी वाला आखिरी लाइन पे होना। चलें ठीक है जी गर्ल्स, नाउ टाइम इज ओवर। ओके, अल्लाह हाफिज़।
मैं आपको टाइटल पेज की फोटो भेजूंगी जो मैंने बनाया है। ओके मैं मीटिंग एंड कर दे। टाइम हो गया ना 10:20 पे होना था ना हमारा पीरियड हो गया। यस मिस मिस मैं वो ओके जी अल्लाह हाफिज़। ओके अल्लाह।